आप अपनी तर्जनी उंगली और मध्य उंगली के बीच में क्लैपर को रखें और कस के ऊपर को खींचे। इससे बहुत जोरदार आवाज सुनाई देगी। इस क्लैपर को बनाने के लिए आपको सिर्फ एक A4 साइज का कागज चाहिए और एक कैंची चाहिए। सबसे पहले आप कागज में को उसकी चौड़ाई में आधे में मोड़ें। उसके बाद जो दो खुले सिरे हैं उसमें आप एक पट्टी मोड़ें लगभग 1.5 सेंटीमीटर चौड़ी, और इस पट्टी को आप बार बार मोड़ते रहें एक के बाद एक करके, जब तक पूरा कागज आप इस्तेमाल ना कर लें। उसके बाद इस मुड़े कागज को खोलेंगे तो आपको उसके एकदम एक नालीदार चादर जैसी दिखाई देगी। फिर अब दोनों जो सिरे हैं उससे आप मोड़ों को अंदर की ओर मोड़ना शुरू करें, और तब तक मोड़ें जब तक आप बीच में ना आ जाएं। उसके बाद इन दोनों मोड़ों को एक दूसरे के ऊपर पलट दें। फिर मॉडल को आप नाली जैसे खोलें, एक चैनल जैसे खोलें, और मध्य रेखा को काटें थोड़ा मध्य से पहले तक, मध्य से कम, और फिर इन कटे हिस्सों को आप बाहर की तरफ मोड़ दें। ये बायां हो गया और ये दायां हिस्सा मोड़ गया। अब ये तो इसके फ्लैप जैसे बन जाएंगे। उसके बाद में ताली बजाने के लिए आप थोड़े थोड़े से हिस्से इनके सिरों के और मोड़ दें। अब ये हमारा लगभग फाइनल ये ताली जैसी क्लैपर तैयार है। अब आपको बस एक काम करना है, अपनी मध्य और तर्जनी उंगली के बीच में क्लैपर को फंसाएं और तेजी से ऊपर की ओर लेके जाएं। इससे ये दोनों हिस्से आपस में टकराएंगे और एक ताली की बड़ी बुलंद आवाज निकलेगी।